अब प्रार्थना की सास के लिए साड़ी लिखी? प्रार्थना की सासू माँ जी के लिए कोई सोने की चीज लेनी चाहिए? समधन जी के लिए क्या ले? हाँ, नाक का फूल, कान के झुमके, हल्के सोने के दो कंगन। माँ जी, उनके खास रिश्तेदारों के लिए कुछ कपड़े भी लेने चाहिए। ये भी तुमने ठीक कहा, लेकिन पूनम, उनके घर के रिश्तेदार कौन है, कितने हैं, ये तो नहीं मालूम। एक काम करो, साड़ियाँ, सलवार कमीज और उतने ही सूट ले, ठीक है? माँ जी, आपने बुलाया? हाँ। देखो बहू, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हारी जो भी जरूरतें हो इस शादी के लिए पूनम को जरा लिखवा देना। मुझे लिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो कुछ लेना है वो सब मेरे दिमाग में है। ठीक है फिर, हम थोड़ी देर में बाजार के लिए निकल रहे हैं, तुम भी साथ चलना। वैसे भी यहाँ घर में तुम क्या करोगी, यहाँ का काम तो तुमसे होगा नहीं। इससे अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलोगी तो कम से कम सामान के थैले तो उठाओगी। अरे अच्छा हुआ छोटे तुम आ गए, बाबूजी वहाँ ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें कुछ काम भी समझाना है, चलो जल्दी। भैया आप गाड़ी में बैठिए, मैं आया। जल्दी आना। प्रार्थना, आज खुश तो बहुत होगी तुम। हाँ। अच्छा भैया, आप मेरी शादी में क्या पहनने वाले? जो तुम लोग लाओगे पहन लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, पूनम भी हमारे साथ मार्केट चल रही है तो आप उन्हीं की पसंद का पहन लीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अब कहाँ तक पहुंचे? मरवाओगी क्या अम्मा के सामने पूनम जी की बात करते? चादरें, पर्दे और वो जो तरह तरह के वो बर्तन होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में पूनम? हाँ वो क्रॉकरो, क्रॉकरो, क्रॉकरी। माँ जी आप क्रॉकरी कहना चाहती है ना? क्रॉकरी, हाँ क्रॉकरी। 8-10 सेट उसके भी लिख दो। अम्मा अंग्रेजी सीखने चली। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो आकाश? हा? बाबूजी बुला रहे हैं ना ऑफिस में, निकला निकला। जी अम्मा। हाँ। क्या लिखा अभी वो? क्रोक्रो, क्रोकरी, क्रोकरी। कढ़ी, छोले, पालक, चावल, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बाप रे ये काम है कि खत्म ही नहीं होता। रानी क्या खबर है? देखिए आपका नंबर है मेरे पास, अगर कोई न्यूज होगी तो मैं आपको फोन कर दूंगी। बहुत बार मुझे फोन मत किया करिए। वैसे भी यहाँ हजारों काम है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और ऊपर से आपका फोन। ए रानी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम जानती हो ना तुम किससे बात कर रही हो? भाड़ में गए तुम्हारे हजारों काम, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा है और जिस काम के मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, पहले वो काम पूरा होगा। अच्छा, कितने पैसे दिए हैं अभी तक आपने? 1 रुपया भी नहीं। समय आने पर तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे, कहा था ना? कहा है तो करिए, क्योंकि मेरा समय आ चुका है, मुझे आज के आज 10,000 रुपए चाहिए। क्या? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका काम आगे भी करती रहूं, तो मुझे आज ही 10,000 रुपए चाहिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है नौकरानी बनने का। 100 काम है मेरे पास गौतम जी। जब मैं तुमसे कह चुका हूँ कि काम पूरा हो जाने के बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तो फिर ये नाटक क्यों? आपने क्या कहा था मैं भूल चुकी हूँ। आज इस घर की औरतें शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रही हैं, और मैं भी उनके साथ निकल रही हूँ। आप मुझे वहीं पर 10,000 रुपए लेकर मिलेगा, वरना मैं वापस इस घर में लौट कर नहीं आऊंगी। गौतम जी सोच लीजिए। देखो रानी,
तुम्हें पूरे पैसे में एक साथ दे दूंगा, लेकिन अभी ये नहीं, अभी तो अभी नहीं तो कभी नहीं। लिस्ट बना रही हूँ, बनाइए। मैंने तो फैशन की किताब में देखे पहले से ही अपने लिए साड़ी पसंद कर ली, इधर जाकर ले आऊंगी बस, और लिस्ट देकर ये लोग घूमते रहेंगे बाजार में। अब क्या तुम्हारी बिग मैडम जी फिर से बुला रही हैं? नोनो खानो जी, वो मीटिंग कर रही थी कि मैं भी आपके साथ मार्केट चलूं। क्यों? वो खानो जी, घर का वर्क भी फिनिश हो गया है, तो मैंने सोचा कि मार्केट चल के आपकी हेल्प भी कर दूंगी। सीधे सीधे कहो कि घूमने जाना है। वो खानो जी, बहुत दिनों से ना आउट नहीं गई हूँ, तो बस इसीलिए सोचा कि घर से बाहर जाके थोड़ी सी ताजी हवा भी ईट कर लूंगी, और कसम गंगा मदर की आपकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम ताजी हवा खाने नहीं जा रही, मेरी मदद करने जा रही। जी थैंक यू खानू जी, थैंक यू सो मच। वो भी दिखाइए ना जरा बेटा, देखो कौन सी पसंद है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी साड़ी लूं। पूनम, थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना साड़ी पसंद करने में। ये साड़ी बहुत सुंदर है और ये रंग आप पे बहुत खिलेगा। वाकई बहुत सुंदर है। प्रार्थना बेटा, इससे तो ज्यादा ये साड़ी सुंदर है, देखो। वाकई ये भी बहुत सुंदर है, तो फिर मैं ये दोनों ले लेती हूँ। ये तीनों साड़ियाँ पैक कर देना। भाभी, ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी। हाँ भाभी, आप इस साड़ी में और सुंदर लगेंगी, ये ले लीजिए ना। तुम इतना कह रही हो तो ले लेती हूँ, ये भी पैक कर दीजिएगा। ये सभी पैक कर दीजिए। हाँ। पूनम, सूची के हिसाब से देख लो, कोई साड़ी छूटी तो नहीं है ना? जी। अरे मेरा मोबाइल। अम्मा, वो मेरा मोबाइल शायद गाड़ी में रह गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। रानी सुधीर के साथ? सुधीर जी, आप यहाँ? वो एक्चुअली क्या हो कि मैं अपने एक काम से सीतापुर आया था, और इत्तेफाक की बात है कि आप लोग भी बाजार आए हुए हैं, और उसके बाद रानी को भी आपके साथ देखा, तो आप रानी को कैसे जानते हैं? रानी की माँ, वो कई साल पहले हमारे यहाँ काम करती थी। हाँ। तो उनके साथ ये भी कभी कभार आया जाया करती थी। जब मैंने रानी को आपके साथ देखा तो मैं तो इसको देखते पहचान गया। एक्चुअली मैं इसके साथ मिलकर आपको एक सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? साड़ी का सरप्राइज। साड़ी का सरप्राइज? मैं रानी के हाथ आपको एक अच्छी सी साड़ी भिजवाना चाहता था, पीले रंग की। पीला रंग ना मुझे बहुत पसंद है, तो ये पैसे मैंने उसी के लिए दिए थे। लेकिन
आपने तो हमें पहले ही देख लिया, मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। सुधीर जी आप भी ना। अच्छा अब आप यहाँ मिल ही गए हैं तो मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन प्रार्थना जी वो क्या है ना कि मैं ना बहुत जल्दी में हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वो हमारे घर में भी शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई ना, तो उसी काम से मैं यहाँ आया था किसी से मिलने, और अगर मैं उससे नहीं मिला ना तो मेरा यहाँ सीतापुर आना ना बेकार चल जाएगा। ठीक है लेकिन कम से कम पूनम से तो मिल लीजिए। बस दो मिनट, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। हेलो पूनम, वो सुधीर जी मिल गए हैं, अब जल्दी से बाहर आ जाइए। अभी आते हैं। माँ जी हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। कहाँ जा रही हो? वो प्रार्थना बाहर बुला रही है। ये अच्छी लगेगी ना मुझ पे? बस आ रही है। ये रख लीजिए। लेकिन ये तो आपकी साड़ी के लिए। वो पीले रंग की साड़ी मैं खरीद लूंगी। अरे नहीं, वो तो मैं आपको देना चाहता था ना गिफ्ट। मैं आपकी तरफ से खरीद लूंगी। वैसे आपने मुझे सरप्राइज देने का सोचा ये जानकर अच्छा लगा। अरे वाह हीरो, हमारा इनाम निकाल दैया रे दैया। अरे ये क्या 10 रुपया? अपनी हीरोइन के साथ खड़ा है, शर्म नहीं आती? सलामत रहे, हजार हजार का पत्ता निकाल। ए हम लोगों की बद्दुआ मत ले, जल्दी से खाना खिला होटल में। तड़का मार के दाल फ्राई अंडा करी ये चल रहे। अरे बलम परदेसी, हम लोगों से पंगा मत ले। हाय हाय, हजार का नोट निकाल, हजार। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, पीछा छोड़िए हमारा। जब तक हमें होटल में खाना नहीं खिलाएंगे हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाय हाय हाय, खिला खाना। ए खाना खिला, ये चलना रे, खिला खाना, आ जा आ जा। ए चिकने आ जा रे, रानी छोड़। देखिए प्रार्थना जी अब ये ऐसे नहीं मानेंगे। लेकिन पूनम से, पूनम जी से बोल लीजिए कि मैं उन्हें फोन करूंगा। मैया रे मैया, चल 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 चल, बढ़िया से आप लोग जाइए। अरे हीरो चल चल। अभी तेरी मास्टरी धरी की धरी रह जाती। बड़े दिमाग वाले बनते हो ना। अगर भरे बाजार आकर के हम अपना नाटक शुरू नहीं करते ना तो तुम्हारा नाटक सरे बाजार पिट जाता भतीजे। और आइंदा कुछ भी नौटंकी करने से पहले बचने का रास्ता सोच लिया करो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको इतनी जोर से धक्का देने की क्या जरूरत थी? रानी का फोन तोड़ दिया आपने, मैं उससे बात कैसे करूँगा? उसको पैसे भी नहीं दे पाया मैं। अरे हमें तो क्या गम है भतीजे, रानी के पास नया मोबाइल भी पहुँचा देंगे और पैसे भी। अरे प्रार्थना, सुधीर जी कहाँ है? पूनम वो रहे। पर हम तो आ ही रहे थे ना, तो हमसे बिना मिले क्यों चले गए?
वो आपसे मिलने के लिए रुकना ही चाहते थे, पर पता है क्या हुआ? तभी वहाँ दो पैसे मांगने वाले आ गए और हमें बहुत परेशान करने लगे। सुधीर जी के तो पीछे ही पड़ गए, कहने लगे कि होटल में खाना खिलाओ, और खींच कर ले गए सुधीर जी को। उन्हीं से पीछा छुड़ा कर भाग रहे हैं सुधीर जी। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए, माँ जी आपका इंतजार कर रही है। ओह चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।